तो लीजिए अब 1 लाख रुपए की नहीं करोड़ों की बात सुनाऊंगा। हाँ जी बात है बहुत ही सुनो। अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा करो भक्तों। जिस घर में नारी का सम्मान किया जाता है, माँ बाप की सेवा की जाती है, वो सबसे बड़ा सुख और धाम होता है। सुनिए याद रखोगे, कोई ईश्वर शर्मा सिर से लड़ाए थे और ज्ञान की बात बताए थे, कती 1-1 लाख रुपए की बात है। सुनो कैसे कि देवी देवता भी खुश अगर आपके अपने घर में माँ बाप खुश, देवी देवता भी नाराज अगर घर में माँ बाप नाराज। के सारी उम्र तक माँ बाप की सेवा नहीं करी, फिर बड़ा बनावे, लड्डू बनावे, फूल चढ़ावे, ऐसी सेवा को फल नहीं होता भक्तों। अगर माँ बाप की सेवा करनी है तो जीते जी सेवा कीजिए। 5 उंगली सार नहीं होती। आजकल भी बहुत अच्छे बच्चे हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन एक मैंने खबर पड़ी कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी। हाय कैसा कलयुगा गया। एक खबर पड़ी कि बेटे ने माँ का सर फोड़ दिया। माँ जिसने 9 महीने पेट में रखे, पढ़ाए लिखाए, सब क्या जोगे बनाए, फिर बच्चे माँ बाप को भूल जाते। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत ही अच्छी ज्ञान की बात है। शायद मेरे वजन तक 10 मतलब 5 मत एक लग जा ना करता हो, सेवा करने लग जा। क्यों साहब तो क्या कहा सुनिए जरा। आजकल भी बहुत अच्छे बच्चे जो माँ बाप की सेवा करने, 5 उंगली सारी होती, ऐसी बात नहीं। तो क्या कहा कभी ने, सुनने की बात है, याद रखोगे। क्या कहा के कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है। जा अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा कर ले, तेरे घर में मथुरा काशी है, तेरे घर में मथुरा काशी है। ये मेरी माँ का संदेश नहीं भक्तों, ये सारे देवी देवताओं का संदेश है। के मात पिता के मरे बाद, के मात पिता के मरे बाद, आंसू टपका कह के होगा, और देखे जीते जीतन बोए काटे फिर फूल चढ़ा के होगा, फिर फूल चढ़ा के होगा। और मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जीतन बोए काटे फिर फूल चढ़ा के होगा, फिर फूल चढ़ा के होगा। क्या कहा पहली कली में, कया नहीं तने मान्या कदे, और कया नहीं तने मान्या कदे, फिर शीस झुकाने ठीक नहीं, और रखे सदा अंधेरे में, फिर दीप जलाने ठीक नहीं, और कदे वक्त पर देखे रोटी ना दी, फिर पिंड बराने और ठीक नहीं, और चुचकारे को न्या पैर कदे फिर तिलक लगाने ठीक नहीं, तिलक लगाने ठीक नहीं, और रहे त्रस्ते वस्त्र के बिन, माँ बाप रहे त्रस्ते लते कपड़े बिन, विशाल चढ़ा के होगा, दुख में करी नहीं सेवा फिर हरिद्वार जा कर के होगा, हरे हरिद्वार जा कर के होगा। सदा दोस्त काटे जिनके, और सदा दोस्त काटे जिनके, फिर पछे ते गुण गावे से, और जिंदगी दुखों में देखे काट गए
फिर मंदिर में पत्थर लावे से अरे कड़वे त्योर देखनी है लोगो देखे बुत पे ध्यान लगावे से और गांव बिचारे देखे शहर बिचारे पगड़ी उछाड़ के फिर पगड़ी की रस्म निभावे से पगड़ी की रस्म निभावे से तन को न पढ़ाई फिर पड़ी बचपन में तन को न पढ़ाई फिर पड़ी बचपन में और इब पछता के होगा जीते जीतन बोए कांटे फिर फूल चढ़ा के होगा रे फूल चढ़ा के होगा धन्यवाद इस भजन का खुश होकर के सम्मान कर रहे हैं सुनो भक्तों ये 50 ग्राम जीभ का टुकड़ा जिसे आप भी बोलते हैं मैं भी बोलता हूं सारा संसार बोलता है ध्यान से सुनना भगवान ने आज तक इससे कड़वी चीज नहीं बनाई भगवान ने आज तक इससे मीठी चीज नहीं बनाई संसार में कोई हलवाई पैदा नहीं हुआ इस तक कड़वी चीज बना दे इस तक मीठी चीज बना दे टुकड़ा सुनो एक बार की बात जीव ने सोचा देख रहे भाई दान दो मैंने थारे भीतर रहना हो गया मैडम मेरा ख्याल रखियो दांत कहने लगे बैंजी जीव भीतर कुत्या जा कोई भी करड़ी चीज आओगी हम रगड़ांगे बैंजी जीव आनंद भी तू ही ले जा एक बात का ख्याल रखना बैंजी जीव किस बात कर रहे भाई दांतो तो किसी को बुरा मत ना बोला क्यों के बुरा बोल कर तू तंदर चली जाएगी सबसे पहला मारे पिटाई होगी तो क्या कहें इंसान के साथ अच्छाई और बुराई सुनो इस जीव में हड्डियां नहीं होती इस जीव के अंदर हड्डियां नहीं होती लेकिन ये हड्डियां तुड़वा देती है प्यारे बहुत बड़ी चीज अपने माँ बाप की सेवा कीजिए भक्तों बड़ों का आदर कीजिए नारी का सम्मान कीजिए घर में लक्ष्मी का वास होगा गांव में गली में मोहल्ले में अगर कोई अच्छा आदमी होगा अगर वो गुजर जाता है तो उसकी अर्थी के पाछा उसका दुश्मन भी रोता है भाई आदमी बड़ा भागवान था बड़ा भाग्यवान आदमी था अगर कोई नरभाग आदमी हो वो मर जा फिर अलग से कोनों में खड़े हो गए कौन ही मार का बात कर रहा है अच्छा सब रे गिरा कटी रहे अच्छा अच्छा तो मरना चाहिए इंसान के साथ यही जाता है अच्छाई और बुराई तीसरी कली में क्या कुछ कहा सुनने की बात है मरे पछ है बड़ाई करते मरे पछ है बड़ाई करते देखे बेटे पोते देख लिए और कर कर लाड याद बचपन के और छुप छुप रोते हैं देख लिए और तीर्थ पे पितरा खातर फिर मारते गोते हैं देख लिए और लगी हुई फोटो शीशे में और लगोई फोटू देखे कमरा में फिर रे मरमरे धोते देख लिए रे मरमरे धोते तन मीठे बोल कदे ना बोले तन मीठे बोल कदे ना बोले इब सरात करा माता और बहनों से प्रार्थना है आपसे भी मैं एक प्रार्थना करूंगा क्या बहुत सी बहनें घमंड करती है क्या कि मैं बहुत भड़े घर की लड़की हूं बहुत दहेज लेकर के आई हूं बहुत खूबसूरत हूं नहीं आपने घमंड नहीं करना सुनो जो बहू अपनी सासू की अपने ससुरे की दिल से सेवा करती है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है
उसका हमेशा कल्याण होता है। लेकिन सास का भी फर्ज बना है, क्या फर्ज बना है कि दूसरे की बेटी ने अपनी बेटी समझा, जब ही दोनों का कल्याण होगा। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की। भक्तों, ये मेरा संदेश नहीं है, ये मेरी माता रानी का संदेश है। माँ कह रही है बच्चों जाओ मेरा गुणगान करो और अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा करो, कोई कमी नहीं रहने की। क्या कहा चौथी गली में कभी ना कभी तोड़ कर दिया और क्या कुछ कहने लगे। हाँ देखे जीते जीतो जीते जी कर लियो सेवा, हम जीते जी कर लियो सेवा, या अच्छी किस्मत तुम्हारी से और आशीर्वाद मिले सच्चे दिल से, आशीर्वाद मिले सच्चे दिल से, बने बेटा अज्ञाकारी से और खुद अपनी संतान बता दो, ना लगती किसने प्यारी से और कोई अमर ना रहा जगत में, और आखिर सबकी बारी से, आखिर सबकी बारी से। गा भाई ईश्वर शर्मा क्या कहा, गुरु ज्ञानी राम इशारा काफी, गुरु ज्ञानी राम इशारा काफी, कने ढोल बजा के रहे जीते जी तन को होए काटे, और फूल चढ़ा के होगा, फूल चढ़ा के होगा, मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जी तुने होए काटे, फूल चढ़ा के होगा, फिर फूल चढ़ा के होगा, फिर फूल चढ़ा के होगा, इब फूल चढ़ा के होगा, इब फूल चढ़ा के होगा, इब फूल चढ़ा के